क्या आपके ऊपर पैसे का बहुत कर्ज हो गया है? बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका पैसे का कर्ज नहीं उतर पा रहा है। आप हर तरह से परेशान हो चुके हैं। आपने हर एक काम करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपका जो पैसे का कर्ज है वो नहीं उतर पा रहा है और अपने आप को समस्याओं में घिरा हुआ पा रहे हैं और क्या करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास बहुत सारे भक्तों के पिछले काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी, हम बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि जो पैसा कभी हमने अपनी कुछ सहूलियत के लिए, फायदे के लिए किसी से उधार लिया था या थोड़ा कर्ज लिया था, आज वही कर्ज हमारे जी का जंजाल बन चुका है। कर्जा जितना लौटाते हैं उतना ही फिर बढ़ता जाता है। पैसा लगातार इसी तरह से खराब हो रहा है और पता नहीं चलता कि कहाँ पर हमारा पैसा जा रहा है। गुरुजी, इस कर्जे को उतारते उतारते हमारी लगभग आधी से ज्यादा उम्र निकल गई है, लेकिन फिर भी हमारा कर्जा नहीं उतर पा रहा है। क्योंकि कर्जा एक ऐसी श्राप है जो मनुष्य को सुख से चैन का सांस नहीं लेने देती। अगर हमें किसी का पैसा लुटाना है तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव, उसका भार हर समय बना रहता है। तो आज मैं आपको कर्जा से मुक्ति पाने का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने पर परमात्मा की कृपा से आपका जो भी धन का कर्ज है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपने बड़े से बड़े कर्ज से जरूर मुक्ति मिलेगी। भावे ही विद्ते देवा, अर्थात परमात्मा में सच्चा भाव रखकर इस उपाय को आप कर लीजिएगा, वही आपका कल्याण करेंगे और आपको जरूर फल मिलेगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। साथियों, हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है आपके लिए कुछ नई और बेहतरीन जानकारी लेकर आने की। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतहु लोक उजागर। रोम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको बड़े से बड़े कर्जा से मुक्ति पाने का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत लाभ देने वाला है और इस महाश्राप से आपको बचाने वाला है। यह महा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके गले का जो जंजाल, ये कर्जे का जो दैत्य है, ये अगर आपका पीछा छोड़ दे तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ, भोलेनाथ की कृपा से आपका पैसे का जो कर्ज है वो कुछ ही दिनों में उतरना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ। प्यारे बंधुजनों, आपने लगातार इस उपाय को 40 दिन तक करना है। 40 दिन तक इस उपाय को करने पर
इस उपाय के दौरान ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जैसे ही इस उपाय को आप शुरू कर देंगे वैसे ही परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस उपाय को लगातार 40 शनिवार आपने करना है। आपने शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है और उसके साथ एक छोटी लौंग और एक छोटी इलायची और एक पान का पत्ता, ये आपने हनुमान जी को चढ़ा करके आना है। ध्यान से सुन ले, सरसों के तेल का दीपक लगाना है और एक पान का पत्ता, एक छोटी लौंग, एक छोटी इलायची, ये आपने हनुमान जी को चढ़ाना है और वहीं पर हनुमान जी के चरणों में बैठकर आपने ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। लगातार 40 दिन तक बिना निर्विवाद, यानी कि बीच में बिना कोई शनिवार मिस किए ये उपाय आप कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे आपका कर्जा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में आप देखिएगा खुद ब खुद आपके साथ ऐसे कुछ अवसर होने लगेंगे, आपको ऐसी सूचनाएं मिलेंगी और आपको इस तरह के बदलाव दिखेंगे जो आपका पैसे का कर्ज आपके सर पर बना हुआ था, कुछ ही दिनों में आपका वह सारे का सारा कर्ज जो है छू मंत्र होना शुरू हो जाएगा और आप इस कर्ज के जंजाल से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाओगे। अगर आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।